हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। चलिए आज मैं आपको मूंग दाल का डोसा बताती हूँ बनाने के लिए, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए, आधा कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी मूंग दाल है, और इसके डेढ़ कटोरी, इसी कटोरी से मैं चावल ले ली हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब दोनों को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। चलिए इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके दे दिए, भिगोने छोड़ दिए थे। अब इसे मैं, आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं नाश्ता, तो इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दें अच्छे से ये, और अगर तो मॉर्निंग में नाश्ता बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो इसे रात भर के लिए छोड़ दें, तो अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दी थी, देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं। चलिए इसे मिक्सर जार में डाल के इसका महीन पेस्ट में बना लेती हूँ। फिर इसमें थोड़ी सी दही डालूंगी, आधा कटोरी दही डालूंगी। फ्रेश दही है, खट्टा बिल्कुल नहीं लें। चलिए अब इसे मैं पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं आधा कटोरी सूजी ले ली हूँ, इसे मैं एक बाउल में डाल के इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से थोड़े से पानी डाल के इसे मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए, और फिर मैं इसे भी पीस लूँगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका पेस्ट बना ली, इसे मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड और मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़े से मैं मिक्सर डालना, पानी डाल के डाल दूँगी इसमें। और जो सूजी है उसे मैं इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें पेस्ट मैं रेडी कर ली हूँ, अब इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ी सी नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े से खाने वाले सोडा डालूँगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे तुरंत नाश्ता बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बनते हैं फ्रेंड्स। बस इस तरह से इसे अच्छे से मिला लें, और इसे 5 मिनट के साइड में रख दें ढक के। तो चलिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, चटनी बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका है, और मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल भी गर्म हो गया है, और मैं इसमें थोड़े से राई डालूँगी, इन सबको डाल देती हूँ। चना और बादाम को अच्छे से तिरोच में कर लूँगी। मैं थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। बस दो मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं भुना चुका अच्छे से, और इसमें मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज को अच्छे रख ली, मैं काट ली हूँ। इसे भी मैं भूनूंगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट परफेक्ट पक चुका है। मैं इसमें देखिए टमाटर है, ये भी 2 है मीडियम साइज़ के, फिर मैं डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसे 1 मिनट अच्छी तरह पका लेना है। जैसे फ्रेंड्स हो चुका है, मैं इसमें थोड़े से पानी डालूंगी, और इसे मैं ढक के 2 मिनट पका लेती हूँ, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। चलिए फ्रेंड, ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। देखिए मेरा ये पक चुका है, और गैस को बंद करने के, बंद करके रख देती हूँ। ऐसे गैस को बंद करके मैं इसे ठंडा के लिए छोड़ देती हूँ 5 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चटनी बन के रेडी हो गई, मैं इसे एक बाउल में निकाल ली हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए मैं इसमें छौंका लगाती हूँ। इधर मैं पैन चढ़ा दी, गर्म होने के लिए फ्रेंड्स, गर्म हो गया है ये। चलिए इसे फिर तड़का पैन में तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें कढ़ाई डाल दूँगी, कितने चाहिए हो गए फॉर्मेट देख सकते हैं आप, तो जल्दी रेडी है। चलिए मैं जब स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो देखिए फ्रेंड, मेरा तवा गर्म हो चुका है, मैं इसमें थोड़े से पानी डालूँगी। इसे मैं इस तरह से साफ कर लूँगी, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। घी को मैं इसमें डालूँगी, ऐसे हल्के हल्के हाथों से
इस तरह से फैला लेंगे। देख सकते फ्रेंड्स, देख सकते फ्रेंड्स कि साइड साइड में देखिए कितने अच्छे नॉर्मल तरीके से अपने आप सारे निकल जा रहे हैं। अब मैं इसमें ऊपर से तेल डालूंगी, देख सकते हैं कम तेल में, बिल्कुल ही मैं नीचे तेल नहीं डाली थी, कितने इजीली से ये सारे निकल रहे हैं। देख देखिए कलर कितना मस्त आया फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एक साइड ऐसे आलू लगा दी हूँ, आलू मसाला, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। चलिए मैं एक और इसी तरह बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं, दो तरह से बना है। एक प्लेन है जिसमें बिल्कुल आलू नहीं है, एक प्लेन है, आप इस तरह से भी बना के खा सकते हैं, मसाला डोसा भी खा सकते हैं। चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी है, ये सांभर है, इसके साथ मैं डोसे के खाऊँगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है मसाला डोसा। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी आपको कैसे लगी, और घर पर ज़रूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।